Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all will be fine and you listening to our lectures on daily basis. Let's start our today lecture. I'm a 4th class ka lecture le rahi hu aur math ka lecture hai. Aap log apni apni math ki books open kar le, theek hai? Math ki books open kar le 4th class ki aur page number 1st pe aa jaye. Page number 1. आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ये है हमारा चैप्टर नंबर 1. नंबर्स जैसे कि आप लोग जानते हैं काउंटिंग डिजिट्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हम इनमें साइन यूज़ करते हैं प्लस का माइनस का, ठीक है, फिर उन पे ऑपरेशंस करते हैं यानी उनको सॉल्व करते हैं. अगर प्लस का साइन लगाएं तो हम प्लस का अमल करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं. पेज नंबर 2 पे है नंबर्स. नंबर्स हमारे पास होते हैं काउंटिंग के डिजिट्स जो कि हमारे पास छोटी वैल्यू होती है फिर उसके बाद उससे बड़ी तो हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स मिलियन बिलियन में जा रहे होते हैं. तो ये हमारे पास क्लास 4 में हम सिर्फ इसमें 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, वंस वाला, थाउजेंड्स वाला और मिलियंस वाला, ठीक है. वंस में भी आगे हमारे पास फर्दर 3 और पार्ट्स होते हैं. उसमें सबसे पहले यूनिट होता है यानी कि सिंगल वैल्यू. इसे आप पिछली क्लासेज में वंस पढ़ के आए हो. सबसे पहले यूनिट होगा, फिर टेंस होंगे, फिर हमारे पास हंड्रेड्स होंगे. ये वंस वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद हैं थाउजेंड्स. सबसे पहले थाउजेंड, उसके बाद टेन थाउजेंड. ये टी टेन को जाहिर करेगा और टी एच जो है वो थाउजेंड को. टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड. उसके बाद हमारी मिलियन वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी. सबसे पहले होता है मिलियन, उसके बाद टेन मिलियन, उसके बाद हंड्रेड मिलियन. टेन मिलियन को टी एम और हंड्रेड मिलियन को हम एच एम राइट करते हैं और ये हमारा कहलाता है प्लेस वैल्यू चार्ट. अगर ये चार्ट हमें ज़बानी तैयार हो जाए तो हमें वैल्यूज लिखने में हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 6 से. एक्सरसाइज है हमारी 1A, इधर गिवन है, ठीक है. पेज नंबर है 6. सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स. अपनी अपनी फिंगर रख लें अपनी बुक पे और जो मैं पढ़ाऊंगी साथ साथ लेड पेंसिल के साथ आपने राइट करते जाना. सबसे पहला क्वेश्चन है इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट इज. वो कह रहे हैं ये हमने वैल्यू राइट की हुई है एक डिजिट पे. उन्होंने रिंग बना दिया है, सर्कल बना दिया है. ये देखें ज़रा, सर्कल बना हुआ है. वो कह रहे हैं सर्कल वाले डिजिट की हमें वैल्यू बताओ कि कितनी है. तो 3 क्लास में भी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी. ठीक है, उसने सर्कल बनाया है 8 पे. 8 की हमने वैल्यू राइट करनी है. जिस डिजिट पे हमारा सर्कल होता है वो डिजिट हमने एज इट ऐसे ही राइट करना होता है यानी कि 8 को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे. आगे हमारे पास जितने डिजिट हैं उतनी हमने लगानी है जीरोस. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. इसमें 5 हमारे पास आ जाएंगी जीरोस, ठीक है. अब हमने इसकी वैल्यू इंग्लिश में भी लिख के बतानी है कि ये क्या बन रही है. हमने डिजिट काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. इधर से भी देखें 1 2 3 4 5 एंड 6. ये हमारी 100,000 वाली लाइन है तो इसको लिखा जाएगा 800,000. इंग्लिश में लिखा जाएगा 800,000, ठीक है. हमने डिजिट में भी लिख दी और वर्ड्स में भी लिख दी. उसके बाद नेक्स्ट है बी वाला. हमें बुक पे गिवन है, ये देखें ज़रा, एक्सपेंडेड फॉर्म. क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म? ये हम 3 क्लास में पढ़ के आए थे. हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है सबसे पहले राइट किया हुआ, आगे जितने डिजिट और हों उतनी हमने जीरोज लगाई हुई होती हैं. मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ पहले, आपको समझ आ जाए हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या थी. ये मैंने एक वैल्यू लिखी है, इसकी अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगी, सबसे पहले 5 है, मैं 5 राइट कर लूँगी, 1 2 3 4 5. आगे 5 डिजिट और हैं, मैं 5 जीरोज लगा दूँगी, 1 2 3 4 एंड 5. प्लस का साइन यूज़ करूँगी. फिर नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन आ जाएगा. फिर आगे हमारे पास 3 है,
उसके बाद 1, 2, 3 डिजिट और हैं तो 3 जीरोज आ जाएंगी। फिर हमारे पास क्या है, 0 है, उसके आगे 2 डिजिट और हैं, उसके बाद है 9, उसके आगे 1 डिजिट है और एंड में अकेला 0 है। ये हमारी होती थी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब उसने एक्सपेंडेड फॉर्म खुद हमें लिख के दिए और कहा है कि इसकी वैल्यू राइट करें। अब सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास है 5, स्टार्ट में हमने स्टार्ट वाले सारे डिजिट राइट कर देने हैं तो वो हमारा नंबर बन जाएगा। इसमें सबसे पहले है 5, हम आंसर में 5 राइट कर देंगे। नेक्स्ट में है 2, 2 राइट कर देंगे, यानी इस लाइन में से जितने भी हमारे पास इस लाइन में डिजिट गिवन है उनका फर्स्ट डिजिट जो है वो हमने राइट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर बन जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म का। इसके बाद सी वाला देखें, इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमारे पास होता है 3-3 डिजिट हमने राइट करके उसमें स्पेस देनी होती है। तो नंबर उसने हमें विदाउट स्पेस दिया है और कहा है कि इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, यानी कि स्पेस देकर लिखो। तो 3 डिजिट्स के बाद हमने स्पेस डालनी होती है। अब पहले मैं आपको नंबर लिख के दिखाती हूँ कि कौन सा है। इस तरह से लिखा हुआ है स्पेस के बगैर। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी स्पेस देके। सबसे पहले आपने इसके पेयर्स बना लेने हैं, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने होते हैं। ये 3 बनेंगे हमारे पास, ये 3 बनेंगे, एंड में बेशक हमारे पास 3 बच जाएं या 2 बच जाएं या 1 बच जाए, जितने भी हमने पेयर्स इधर से बनाने स्टार्ट करने होते हैं। और इंटरनेशनल में हमारे पास 3-3 डिजिट का पेयर होता है। अब जब मैं इसे राइट करूँगी 725 जो है मैं इसी तरह राइट कर दूँगी, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूँगी, फिर मैं 213 राइट कर दूँगी। इस तरह से हमने स्पेस दे के लिखना है 3-3 डिजिट्स में, ठीक है। उसके बाद डी वाला देखें, द प्रीडिसीजर ऑफ दिस नंबर इज डैश। वो कह रहे हैं इस डैश पे लिखो कि इस नंबर का प्रीडिसीजर क्या बनेगा। अब मैं आपको पहले प्रीडिसीजर और सक्सेसर के बारे में बताती हूँ कि ये होता क्या है। प्रीडिसीजर का मतलब होता है एक हिंसा हमने पीछे जाना होता है, सक्सेसर का मतलब होता है एक हिंसा आगे जाना होता है। यानी प्रीडिसीजर में हम -1 कर देंगे तो हमारे पास प्रीडिसीजर निकल आएगा, सक्सेसर में हमने +1 कर देना है तो हमारे पास जो है सक्सेसर निकल आएगा। अब प्रीडिसीजर उसने पूछा हुआ है, हम ज़बानी भी राइट कर सकते हैं और इसे सॉल्व करके भी। मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। नंबर हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास नंबर, ठीक है। इसका हमने राइट करना है प्री डिसीजर, ठीक है, यानी कि इससे एक हिंसा पिछला लिखना है हमें। हमने हमेशा लास्ट वाला वर्ड देखना होता है कि वो क्या है, ठीक है, उसी से हमारा प्रीडिसीजर राइट हो जाता है। जैसे इसके लास्ट में है 1, तो 1 से एक हिंसा पीछे जाएंगे तो वो 0 आएगा, बाकी सारे डिजिट एज इट ऐसे ही आ जाएंगे। आप लोगों से अगर इस तरह से डायरेक्ट ना हो तो आपने पहले सॉल्व करके देख लेना है। अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ 1 को, क्योंकि प्रीडिसीजर है एक वैल्यू पीछे जाना है, तो यानी कि 1 को माइनस करना है, तो माइनस करके आपका आंसर निकल आएगा। 1 में से 1 हम जब माइनस करेंगे हमारे पास 0 बच जाएगा, बाकी एज इट ऐसे ही सारी वैल्यूज नीचे उतर आएंगी। तो ये है हमारा प्रीडिसीजर, ठीक है, माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि प्रीडिसीजर क्या आएगा। ई में है दी सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज। अब सक्सेसर लिखने के लिए 1 को प्लस करके देखना है, ये भी मैं एक करके दिखा देती हूँ। ये है वैल्यू जो बुक में गिवन है। अब सक्सेसर राइट करना है तो मैं +1 करूंगी अब सक्सेसर के लिए, यानी कि उसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए। अब 9 और 1 10 बन गए, 0 लगी, 1 कैरी चला जाएगा यानी बोरो चला जाएगा। उसके बाद दोबारा 9 और 1 10 बन गए, 0 1 फिर कैरी, दोबारा 10 बन गए, 0 1 कैरी, 6 और 1 कितने बन गए, 7 1 3 एंड 2 एज इट ऐसे ही राइट हो जाएंगे। तो ये है
मेथड सक्सीजर और प्री डिसीजर फाइंड आउट करने का। प्री डिसीजर में आपने माइनस वन करना है और सक्सीजर में आपने प्लस वन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। सबसे पहले है द प्री डिसीजर ऑफ दिस नंबर इज दिस। वो कह रहे हैं बताएं इस नंबर का प्री डिसीजर यही है। तो प्री डिसीजर मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है, आपने खुद माइनस करके देखना है। अगर तो यही आंसर निकलेगा आपने ट्रू लगा देना है, अगर ये आंसर नहीं निकलेगा तो आपने फॉल्स लगा देना है। बी वाले पे देखें दिस सक्सीजर ऑफ दिस नंबर, सक्सीजर निकालना भी मैंने आपको बता दिया है। वन आपने ऐड करना है, ऐड करके देखना है। अगर तो यही नंबर बनेगा आपने ट्रू लगा देना है, अगर ये नंबर नहीं बनेगा तो आपने फॉल्स लगा देना है। आ नंबर एट वन मिलियन प्लेस हैज सिक्स जीरोज ऑन इट्स राइट। वो कह रहे हैं जो वन मिलियन वाली लाइन होती है यानी मिलियन वाली, उसके आगे जो होते हैं राइट साइड पे, वो कह रहे हैं सिक्स जीरोज होती हैं यानी सिक्स डिजिट होते हैं। तो हम मिलियन वाले पे आते हैं। ये रहा हमारा वन मिलियन, ये था टेन मिलियन, ये हंड्रेड मिलियन। वन मिलियन के आगे हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यस, हमारे पास सिक्स प्लेसेस ही हैं जीरो के लिए, तो ये हमारा ट्रू बन जाएगा। डी वाला है प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ आर डिजिट इन आर नंबर। वो कह रहे हैं प्लेस वैल्यू वो होती है जो उस नंबर की जगह बताती है कि ये नंबर जो है ये किस जगह पे है। तो जी ये ट्रू है, प्लेस वैल्यू का मतलब ही यही होता है कि वो डिजिट जिस जगह पे राइट किया हुआ है उसकी वैल्यू बताना, कि वो हंड्रेड पे है या मिलियन पे है या टेन मिलियन पे है, किधर है उसकी प्लेस बताना, तो ये ट्रू आ जाएगा। फिर है द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन दिस नंबर इज दिस। वो कह रहे हैं सिक्स की प्लेस वैल्यू बताओ। नंबर हमारे पास गिवन है, मैं नंबर राइट करके इसके वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, उसने कहा सिक्स की बताओ कौन सी वैल्यू है। ये है सिक्स, सिक्स पे हम सर्कल लगा लेते हैं। सिक्स एज इट ऐसे ही राइट हो जाएगा, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव जीरोज आ जाएंगी, वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये टोटल हमारे डिजिट बन गए हैं सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सिक्स की हम अब देखते हैं वैल्यू कौन सी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये हमारे पास है हंड्रेड थाउजेंड, इसको लिखा जाएगा सिक्स हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। ये हंड्रेड थाउजेंड वाली लाइन थी, नंबर है हमारे पास सिक्स, तो ये लिखा जाएगा हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थाउजेंड। तो ये हमारे टू क्वेश्चंस हैं आज के लिए। ट्रू फॉल्स जो हैं आपने अपनी बुक पे खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैंने आपको प्री डिसीजर और सक्सीजर लेना सिखा दिया है। ये आपने बुक पे नोट कर लेने हैं, ये आपका क्लास वर्क बन जाएगा। होमवर्क में भी आपने एज इसी तरह से नोट करने हैं। कोशिश कीजिएगा कुछ और नंबर्स लेकर उन्हें आप प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के देखें, ठीक है। और डिजिट की वैल्यूज़ निकालना सीखें, कुछ दो तीन नंबर्स और राइट करके। तकरीबन पाँच क्वेश्चन आपने खुद से बनाने हैं, पांच प्री डिसीजर के बना दीजिएगा, पांच सक्सीजर के बना दीजिएगा और पांच ही प्लेस वैल्यू के बना दीजिएगा। तो ये आपने होमवर्क राइट करके उसकी पिक लेकर स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है। अगर इस लेक्चर में से आपको कुछ समझ ना आया हो, स्कूल के नंबर पे कॉल करके आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।